हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं बताऊंगा कि कैंटिलीवर बीम में हम स्टील कैसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, उसका क्वालिटी चेक क्या होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर कैंटिलीवर बीम प्रोवाइड करने में मिस्टेक करता है तो उस पर मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो साथ साथ में मैं बताते जाऊँगा पूरा प्रोसीजर, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक कि कैसे हम स्टील प्रोवाइड करते हैं, कैसे स्टीरअप, तो वो दिखाता जाऊँगा। और साथ में मैं बताता जाऊँगा कि हमें क्या क्या चेकिंग करनी है और क्या कॉन्ट्रैक्टर इसमें मिस्टेक करता है। ठीक है, तो इस पर एक वीडियो कल भी आएगी कि मतलब हम स्टीरअप उसकी कैसे लेंथ निकाल, क्योंकि ये मतलब टैपर्ड है, स्लोप में है, तो इसका जो स्टीरअप होगा उसका अलग होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टील होगा, जो इसमें बीम में यूज़ होगा, जो टॉप में स्टील आएगा वो मैक्सिमम होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर ड्राइंग में दिया है तब तो आप ड्राइंग से लेके चेक कर सकते हो, लेकिन अगर ड्राइंग में नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, कैंटिलीवर बीम में आपको टॉप में मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड करना है। तो यहाँ देख रहे हो हमारा बॉटम स्टील प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या देखनी है, मैं इसमें लास्ट में ड्राइंग भी दिखाऊंगा, उसमें दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, हमारा जो ये बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें टॉप में 5 नग है 20 का 20 डाया का स्टील, और बॉटम में 2 नग 20 डाया का। देखो कितना फ़र्क, मतलब टॉप में क्यों प्रोवाइड हैं, क्योंकि इस पर मेरे वीडियो एक दो पहले भी आप देखोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप देख लो। तो मेन तो वही होता है, क्योंकि इसका जो हमारा टेंशन जोन होता है वो ऊपर होता है और जो हमारा कंप्रेशन जोन नीचे। ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसमें अभी मैं बताता हूँ हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर मिस्टेक करते हैं, जो प्रोवाइड करते हो बीम, एक तो जो इसकी एंकरेज, मतलब जो इसकी डेवलपमेंट लेंथ होती है जो पीछे बार की, वो पूरी फुल प्रोवाइड नहीं करते, मतलब छोटा प्रोवाइड करेंगे। देखना नीचे में जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है वो करते हैं। और दूसरी क्या है इसमें, कि जो स्टीरो प्रोवाइड करते हैं वो इसका मतलब ऊपर टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमारा जो हुक होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए। यहाँ भी देख रहे हो सामने आप, ये मिस्टेक काफ़ी बड़ी मिस्टेक है कि जो हमारा स्टीरप होना वैसे प्रोवाइड करते हैं, आपने साइड पर देखा होगा, आपकी साइड पर चल रहे होगा तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। आपका जो हमारा स्टीरप रहना चाहिए उसका हुक हमेशा नीचे होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर एक दूसरी चीज़, बीच में देखो स्टीरो में हुक प्रोवाइड किया, कईयों में क्या किया, हुक सीधा रख दिया, ये भी काफ़ी बड़ी एक मतलब मिस्टेक की जाती है साइड पे। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या रहता है, देखो एक इसमें क्या है, दूसरा परेशानी क्या है, और इसका स्टील का रेट भी ज़्यादा होता है, जो कैंटिलीवर टैपर्ड बीम प्रोवाइड किया होता है इसमें स्टील का रेट ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो इसमें स्टीरो प्रोवाइड करने में, मतलब हर एक जो नंबर होगा, नग होगा, वो अलग अलग साइज़ का बनेगा, और इसको साइड पर पूरा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर साइज़ आगे पीछे हो गया तो आपका स्टीरो वहाँ पर अच्छे से बैठेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ थी। और दूसरा, अगर क्वालिटी चेक में देखा जाए आपको क्या क्या चेक करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ भी आप बीम प्रोवाइड करने जा रहे हो वहाँ पे शटरिंग ऑयल प्रोवाइड किया होना चाहिए। अच्छा, अगर अच्छा नहीं किया होगा बाद में क्या होगा, हनीकॉम निकलेगा या जो फिनिशिंग होगी वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं मिलेगी। दूसरा क्या चेक करना है आपको, दूसरा चेक करना है जो आपका स्टीरअप है, मतलब वो उसका स्पेसिंग प्रॉपर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया है, जो डाया यूज़ किया गया है उसमें स्टील में वो बराबर प्रोवाइड किया गया है नहीं, या जो कवर आएगा इसमें वो बराबर है कि नहीं, सब चीज़ आपको ये देखनी है। और मेन चीज़ जो देखनी है आपको, क्या देखनी है, उसकी डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि सब इसी पर डिपेंड है। दूसरी चीज़ देखनी है इसका जो स्टील का डाया है वो प्रॉपर यूज़ किया है, या जो जो टॉप में जो मैक्सिमम स्टील आएगा वो प्रोवाइड किया है। ठीक है, सामने देख रहे हो हमारा स्टीरअप में वही गलती मैंने जैसे आपको बताया कि स्टीरअप का हुक इन्होंने सीधा रखा है, ये बहुत बड़ी परेशानी। और एक तो हुक उल्टा बनाया हुआ, हुक हमारा कंप्रेशन जोन में आना चाहिए था, इन्होंने टेंशन में दिया है, ये भी बड़ी चीज़ है। नहीं नहीं ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा। अभी मैं इसका ड्राइंग दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ड्राइंग में देखो क्या दिया, टिपिकल रिइंफोर्समेंट डिटेल दिया, मतलब जो भी हमारा कैंटिलीवर बीम आएगा उसमें हमारा टिपिकल रहेगा, क्या रहेगा, 20 आएगा, 5 नग टॉप में रहेगा। ठीक है, इसका मैं सेक्शन भी दिखाऊंगा उसमें कैसे प्रोवाइड करना है। और बॉटम में हमारा 2 लैग स्टीरअप है, और बॉटम में 20 आएगा, 2 नग। और देखो इसकी डेवलपमेंट लेंथ, मतलब 500 प्लस 100 mm, मतलब 600 आपका टॉप बार का डेवलपमेंट लेंथ आएगा, और बॉटम का कितना आएगा, 300 टिपिकल। ये आपको प्रोवाइड करना ही करना है, अगर ये प्रोवाइड नहीं किया है तो आपका बीम पहले ही मतलब स्टार्ट से ही फेल है, क्योंकि वो उतना उसको एंकरेज नहीं मिली, उसकी डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, तो वो फेल होने के चांसेस पूरे हैं उसके। ठीक है, तो ये था हमारा, मतलब अभी इसकी मैं एक सेक्शन दिखा दूंगा। तो इसमें हमारा टैपर्ड है, देखो इसमें भी आपको टैपर्ड दिख रहा है। अभी देखो ये हमारी सेक्शन है, इसमें क्या दिया हुआ है, 20 का 5 नग,
तीन नग ऊपर आएगा, दो नग हमारा लेयर में आएगा। लेयर में यूज़ करने के लिए हमेशा ध्यान रखना पिन प्रोवाइड करनी है, मतलब एक सरिया रहता है, इसमें वीडियो लाऊंगा अलग से दिखाऊंगा, और बॉटम में दो नग है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू फ्रेंड्स।